रोड सर। 11 तारीख के रोज जब हमारी एसओजी की टीम रूटीन पेट्रोलिंग कर रही थी बायड़ में, जब हमारे खानगी बातमीदार से ये बातमी मिली कि बात्रक के पास जो पेट्रोल पंप है वहाँ कोई शंकास्पद आदमी चेक्स टी शर्ट में घूम रहा है, और ये बातमी मिलते ही एसओजी की टीम लेड बाय एसओजी पीएसआई जीआर चौधरी वहाँ पहुँचे, और उस आदमी से जब पूछपरछ की गई तो जो प्रिलिमिनरी जो प्राइमा फेसी हमें पता चला कि ये जो आदमी था जिसका नाम है बशीर अहमद अब्दुल, ये रहने वाला है बांग्लादेश का नागरिक है, एवं सुल्ताना बानू करकर एक जो रमोस गांव की रहने वाली जो एक महिला है उसके टच में आकर उससे जान पहचान होने के कारण वो यहाँ आया था और उसी के साथ उसके घर में रह रहा था। कैसे आया था मैडम यहाँ पर, ऐसे कोई जानकारी मिली? जी हाँ, इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, पूरा जो रूट है वो बैक ट्रैक कर रहे हैं हम, जो लैंड रूट है उसकी भी हम पूछपरछ जो अक्यूज्ड है उसके साथ कर रहे हैं। चूँकि ये मैटर नेशनल सिक्योरिटी का है एवं ये बांग्लादेश का नागरिक है और इसके पास अभी कोई वैलिड वीज़ा नहीं है इंडिया का, इसीलिए जो नेशनल एजेंसीज हैं 14 नेशनल एजेंसीज को जान कर दी गई है, और उनके आने के बाद जो जॉइंट इंटरोगेशन होगा उसके बाद ही और इसमें कुछ पता चलता है। सर, उस जात में कोई केंद्रीय एजेंसी कोई जुड़ने वाली है? जी हाँ, इसमें 14 एजेंसियाँ जुड़ने वाली हैं, उन सभी को जान कर दी गई है और वो जल्द से जल्द जैसे आएंगे फिर जॉइंट इंटरोगेशन किया जाएगा। महिला के संपर्क में कैसे आया कैसा कुछ जानकारी? ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मैम कितने दिन से था वैसा कुछ मालूम हुआ था, मतलब 6 महीने से तकरीबन? नहीं, करीबन 16 दिन से था, और उसके बाद एसओजी को बात भी मिली थी एंड फिर एसओजी ने उसे नज़र कैद में अभी रखा है। वो आपका एक अखबार ने लिखा है वो दुबई में उसके संपर्क में आया था, वो इंटरोगेशन जारी है। थैंक यू।